तो स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। जिस वाले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे थॉर के ही टॉप 15 ऐसे विलेंस के बारे में जो कि कॉमिक बुक से उठाई गई होंगी। तो इनके बारे में अगर आपको नहीं पता होगा और आप सभी ने ऐसा ही एज्यूम किया रहेगा कि थॉर के पास असल में इतने भी सभी विलेंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो मैं उन्हीं सभी डाउट को ही पूरा करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने भी इस वीडियो को सजेस्ट किया था। और साथ ही में थॉर लव एंड थंडर की भी मूवी आने वाली है, तो उसको ही हाइप अप करने के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं, जहां पर इसी वाले वीडियो में आपको पता चलने वाला है थॉर के ही टॉप 15 विलेंस के बारे में। तो इन सभी विलेंस को अगर आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वाले वीडियो को जरूर से एंड तक देखना, और ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज ही हम ऐसे कंटेंट्स लेकर आते रहते हैं। तो इसी के साथ और आपका ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। टॉप 15 पर मैंने रखा है कॉर्ड्स को, यानी कि अल्ग्रिन के नाम से आपने जो थॉर की ही फर्स्ट मूवी में इसको देखा होगा, उसी वाले विलेन के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हम सभी को पता है कि थॉर असल में फिजिकली इतना भी ज्यादा स्ट्रांग है कि हमारे हल्क तक को वो टक्कर दे सकता है। लेकिन इकलौता कैरेक्टर जो कॉमिक बुक में सबसे पहले इसको टक्कर दिया था, वो असल में कर्सी था, जहाँ पर थॉर को ही वन ऑन वन फाइट करते हुए इसको जो हरा सकता है, ऐसा भी माना जाता है कि वो असल में कर्सी होगा, जहाँ पर इसको हराने के लिए थॉर को काफी ज्यादा ही पापड़ बेलने पड़े थे। और यहाँ तक कि एक कॉमिक बुक के इवेंट पर हमने देखा था कि असल में लोकी, ओडिन और थॉर आपस में मिलके भी इसको नहीं हरा पाते हैं। तो सेम सी चीज को ही हमने कॉमिक बुक में बहुत बार विटनेस कर रखा है, जहाँ पर सबसे पहले जब इसका थॉर के साथ आमना सामना हुआ था, तो थॉर को इसने ऐसा हराया था जैसे कि इसका बाएं हाथ का ही खेल हो। लेकिन आगे जाकर थॉर भी इससे बदला लेता है, यानी कि इसको ही मानने में सक्षम रहता है। लेकिन थॉर ने जो इसको हराया था, ऐसा नहीं था कि इसने इजी वे में ही हरा दिया था, क्योंकि ए पॉइंट पर हमने देखा था कि बियॉन्डर ने ही इसकी पावर लेवल को 4 टाइम्स बढ़ा दिया है, यानी कि कर्स की पावर्स उसने बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी थी, जो कि हमारे थॉर के लेवल से अगर हम कंपेयर करें तो थॉर के 4 गुना ही होती है। तो ऐसे में आप इसके ही पावर को इमेजिन कर पाओगे और ये कितना ही ज्यादा खतरनाक विलेन था, इसके बारे में भी अंदाजा कर ही पाओगे। 14 पोजीशन पर मैंने रखा है ब्लड एक्स को, जहाँ पर कॉमिक बुक में इसके ही ओरिजिन या फिर इसके ही जेंडर के बारे में इतना भी ज्यादा डिफाइन तरीके से नहीं बताया गया है, और इसके बारे में इतना भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये कॉमिक बुक में काफी कम टाइम तक ही अपीयर हुआ था, और शायद ही किसी कॉमिक बुक फैन को इसके बारे में पता होगा, जहाँ पर मेजरली ये हमारे थॉर के वेरियंट थंडर स्ट्राइक का विलेन रह चुका है, जिसकी फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी 1988 थॉर के इशू 392 के कॉमिक बुक सीरीज में। और प्राइमरी वेपन के तौर पर यह स्कर्ज द एग्जीक्यूशनर के ही एक्स को यूज करता है, जिसके बारे में स्कर्ज के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तब के टाइम पर हम इसके पावर लेवल के बारे में डिफाइन करेंगे, यानी कि इसके अगले वाले विलेन के बारे में जो हम बात करेंगे तब के टाइम पर मैं आपको बताऊंगा। हाँ, 13 पोजीशन पर मैंने रखा है स्कर्ज द एग्जीक्यूशनर को, जहाँ पर इसको एग्जीक्यूशनर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्रोनाउंस करने में काफी ज्यादा ही डिफिकल्ट है, जो कि हमारे एस्कार्ड का ही एक फाइनेस्ट वॉरियर था, जिसको कि एनचांट्रेस ने ही माइंड वॉश करते हुए या फिर ब्रेन वॉश करते हुए इसको थॉर के ऊपर या फिर एस्कार्ड के ऊपर ही चार्ज करवा दिया था, जहाँ पर इसका ऐसा तो कोई कॉस्मिक पावर नहीं है, यानी कि थॉर के पास जैसे थंडर की पावर है उसी टाइप का इसके पास कोई भी पावर नहीं है, लेकिन ये हैंड टू हैंड फाइट में काफी ज्यादा ही स्किल्ड है, और वेपन को चलाने में भी ये काफी ज्यादा ही स्किल्ड माना जाता है, जिसको कि हम एक विलेन भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसको असल में ब्रेन वॉश किया गया था, जिसी वाले रोल को हमने थॉर रैग्नारोक में हेला को करते हुए देखा था, यानी कि हेला ने ही इसको ब्रेन वॉश कर रखा था एस्कॉर्ट पर या फिर थॉर पर रिचार्ज करने के लिए, जहाँ पर इसके एंड में हमने इसको भले आदमी में ही तब्दील होते हुए देखा था। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके पास ऐसा एक एक्स होता है जिसको कि काफी ज्यादा ही पावरफुल माना जाता है। जी हाँ, ये एक इंटरडाइमेंशनल पोर्टल भी खोल सकता है, और अपने एक स्प्लैश से सभी इल्यूजन को या फिर मैजिक को ही काटने में सक्षम रहता है। तो इससे ही आप इसके पावर लेवल का अंदाजा कर पाएंगे, जो कि हमारे थॉर के लिए तो एक बड़ी समस्या ही खड़ी कर दिया था। नंबर 12 पोजीशन पर मैंने रखा है थॉर के सबसे ओल्डेस्ट एनिमीज को, यानी कि फ्रॉस्ट जायंट्स को, जिसको हमने थॉर की मूवीज में ऑलरेडी देख ही लिया है, और वो असल में हमारे यूमिर के ही डिसेंडेंट माने जाते हैं। जी हाँ, यूमिर को इतना ज्यादा पावरफुल माना जाता है कि वो हमारे सटर के जैसे ही फ्रॉस्ट जायंट का राजा होता है, जो कि इतने ज्यादा ही पावरफुल बींग्स होते हैं कि वो 9 रियम्स में सबसे पावरफुल बींग में से ही एक माने जाते हैं, जो कि किसी भी चीज को अगर छू दे तो उसको फ्रॉस्ट में तब्दील कर सकते हैं। और हमने इनके ही लीडर को देखा था, जो कि हमारे लोकी के ही फादर थे, जिन्होंने लोकी को ही अबैंडन कर दिया था, और उसके बाद ओडिन ने इसको एडॉप्ट कर अपनी बेटी की तरह ही दर्जा दिया था,
जहां पर इनके पास इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी होती है कि वो असल में आइस और वाटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके बारे में मैं इतना भी ज्यादा बोर करना नहीं चाहूंगा क्योंकि आप सभी को ऑलरेडी इसके बारे में पता ही होगा, यानी कि मूवी में तो अपीयर हो गया तो पता ही होगा आपको। 11 पोजीशन पर मैंने रखा है डिस्ट्रॉयर को। अगेन ये एक ऐसा कैरेक्टर था जिसको कि हमने थॉर की मूवीज में ऑलरेडी देख लिया है, जो कि असल में थॉर का विलन भी हम नहीं कह सकते क्योंकि इसको ज्यूस और ओडिन ने ही मिलकर बनाया था। और इसकी बॉडी इतनी ज्यादा ही स्ट्रांग होती है कि वो उरु मेटल से भी काफी ज्यादा ही सरपास करती है। और ज्यूस और ओडिन ने इसको मद्देनजर रखते हुए ऐसा ही बनाया था कि जितने सभी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स होते हैं उन सबसे ही प्रोटेक्शन देने के लिए उन्होंने इसको बनाया था। और वो ऐसे भी एनर्जी प्रोजेक्शन छोड़ता है जो कि किसी भी गॉड को मारने के लिए बहुत ही ज्यादा सक्षम होता है। और लोकी ने इसको कॉमिक बुक के बहुत सारे इवेंट पर ही इसको मैनिपुलेट कर रखा है और मैनिपुलेट करके ही इसने एस्गार्ड पर इसको चार्ज करवा दिया था। 10 पोजीशन पर मैंने रखा है मेलेकिथ को, जिसको आपने थॉर डार्क वर्ल्ड की मूवी में ही ऑलरेडी देख ही लिया होगा और जिसकी कॉमिक बुक की अपीयरेंस को बहुत ही ज्यादा चेंज करवा दिया गया है। और साथ ही में ये इतना ज्यादा ही खतरनाक है कि 9 रियल्म्स में इसको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विलन भी माना जाता है। साथ ही में आप अगर वांडर कर रहे हो कि इसके पास ये से क्या पावर है कि इसको इतना ज्यादा ही पावरफुल माना जाता है, तो जी नहीं, इसके पास कोई भी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी भी ज्यादा नहीं है कि हमारे थॉर को टक्कर दे पाए। लेकिन साथ ही में इसके पास डार्क मैजिक भी होता है और साथ ही में माइंड मैनिपुलेशन की पावर्स भी इसके पास एग्जिस्ट करती है, जिसके दम पर ही इसने थॉर को भी धूल चटवा दिया था, जिसको आपने बेटर से थॉर डार्क वर्ल्ड की मूवी में ऑलरेडी देख ही लिया होगा। साथ ही में ये एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि यूनिवर्स के बनने से पहले ही एग्जिस्ट करता था और हमारे एस्गार्ड पर भी इसका आना जाना लगा हुआ रहता है। साथ ही में थॉर और ओडिन के हाथों इसको धूल चाटना भी पड़ता रहता है। 9 पोजीशन पर मैंने रखा है उलिक को। जी हाँ, आप सभी ने इसको बैटर से नहीं जाना होगा क्योंकि कॉमिक बुक में ये इतना भी ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन हार्डकोर कॉमिक फैंस इसको बैटर से जानते होंगे क्योंकि हम इसको विलन्स का ही हल कह सकते हैं। जी हाँ, आप सभी ने सही गेस किया है, इसके पास इतना भी ज्यादा कोई स्पेशल पावर्स नहीं है, जहाँ पर इसकी स्पेशलिटी इसकी ही स्ट्रेंथ या फिर ड्यूरेबिलिटी है। और इसकी अगर एग्जांपल मैं आपको अगर दूं तो इसके पास इतनी ज्यादा मोटी या फिर ड्यूरेबल स्किन है कि जिसको आप बुलेट से भी भेद नहीं पाओगे, यानी कि अगर आप बुलेट से इसको हमला करोगे तो बुलेट असल में पिचक कर ही नीचे गिर जाएगी। और साथ ही में इसके पास अनइमेजिनेबल इतनी ज्यादा ही पावर्स होती है कि अगर वो किसी भी बैटल के अंदर घुस जाए तो असल में उससे विक्टोरियस होके ही बाहर निकलना सही समझता है, यानी कि गिव अप करना इसको बिल्कुल भी नहीं आता है। और साथ ही में इसके नकल पर ऐसा एक ब्रास नकल भी चढ़ा हुआ होता है जो कि पंच करने पर हल्के मुक्कों से काफी ज्यादा ही स्ट्रांग फील होती है, जहां पर इसका ही आमना सामना करने के लिए थॉर को भी काफी ज्यादा पापड़ बेलने पड़े थे। लेकिन इसका दिमाग असल में नहीं होता है, ऐसा ही कॉमिक बुक में कहा गया है, यानी कि आप कह सकते हो कि मसल स्ट्रेंथ इसके पास काफी ज्यादा ही होती है लेकिन अपने दिमाग को इस्तेमाल करना इसको बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ऐसे में थॉर ने काफी ज्यादा इंस्टेंसेस पर इसको हरा रखा है, जिसको आप कॉमिक बुक में ही जाकर पढ़ पाओगे। इस पोजीशन पर मैंने रखा है एनचांट्रेस को, जिसको आप अमोरा द एनचांट्रेस के नाम से भी जानते होंगे, जो कि देखने में काफी ज्यादा ही सुंदर है लेकिन ये इतनी ज्यादा ही खतरनाक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्कर्ज को इसने ही मैनिपुलेट कर रखा था एस्गार्ड पर ही चार्ज करने के लिए, साथ ही साथ इसने बहुत सारे सॉर्सरर को ही सेड्यूस कर रखा है उनसे ही सॉर्सरर की वही सभी नॉलेज लेने के लिए, यानी कि वो दुनिया भर में घूमकर सभी सॉर्सरर से पावर सभी सीखती रहती है। इसके साथ इसको बहुत से कॉम्प्लेक्स मैजिक भी आते हैं जो कि हमारे थॉर के लिए ही काफी ज्यादा ही खतरनाक सी चीज है, यानी कि थॉर असल में इन्हीं सभी मैजिक को डील करना इतना भी बेहतरीन ढंग से नहीं जानता है। तो ऐसे में इसके पास जो भी सभी खतरनाक स्पेल असल में एग्जिस्ट करते हैं वही सभी हमारे थॉर और एस्गार्ड पर काफी ज्यादा ही भारी पड़ती है। और आप इसके पावर लेवल का अंदाजा इससे ही कर पाएंगे कि इसने ही हमारे नाइटमेयर को चुटकी भर में हरा रखा है। और साथ ही में डॉक्टर स्ट्रेंज के ही आए फोगोमोटो के ही बीम को इसने ऐसा डॉज किया था कि जैसे मानो बच्चों का खेल ही था। 7th पोजीशन पर मैंने रखा है हेला को, और मुझे नहीं लगता है कि इस कैरेक्टर के बारे में बताने के लिए आपको कोई भी नॉलेज देने की जरूरत होगी क्योंकि आप सभी ने इस कैरेक्टर के बारे में बेटर से जान ही लिया होगा थॉर रैग्नारोक की मूवी में, जहां पर इसको ही लोकी और थॉर का ही एक सिबलिंग की तरह दिखाया गया है जो कि ट्रूली खतरनाक ही है। और इसकी पावर लेवल इतनी ज्यादा ही होती है कि ओडिन ने ही इस चीज का जब भनक किया था तो इसने ही इसको सील कर दिया था,
लेकिन वापस से जब ओडिन चले गए थे तो उसके तुरंत बाद ही ये हमारे अर्थ पर वापस से आ जाती है और ट्रूली गॉडेस लेवल की ही पावर इसके पास एग्जिस्ट करती है। साथ ही में इसी वाले कैरेक्टर को ही हमने देखा था कि सबसे पहले ही म्योनिर को उठाने वाली कैरेक्टर असल में यही थी। और ऐसे भी बताया जाता है कि ओडिन ने म्योनिर को इसलिए बनाया था ताकि इसको हेला असल में यूज कर सके, जिसके बारे में बेटर वैसे आप थॉर रैग्नारोक के मूवी में जाकर फाइंड आउट कर लेना। इन सबको वापस से रिपीट करके आप सबका टाइम वेस्ट में बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। सिक्स्थ पोजीशन पर मैंने रखा है गैलेक्टस को। जी हाँ, ये भी हमारे थॉर के लिए बड़ी समस्या लेकर आ गया था, क्योंकि असल में आपको इसके पावर के बारे में नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा विलन है जो कि सभी प्लैनेट के ही एनर्जीज पर फीड करता रहता है और जिन सबको फीड करते करते ही वो ब्लास्ट कर देता है, यानी कि आप दुनिया का अंत ही मान लो। तो ऐसे में बहुत सारे कम कॉमिक बुक इशू पर ही हमने इसको थॉर का आमना सामना करते हुए देखा था, जिनमें से सबसे पहले तो आया था फैंटास्टिक फोर के ही 46 इशू में, जो कि रिलीज हुई थी 1966 में ही, जहां पर हमने इसका आमना सामना गैलेक्टस से भी काफी बार देख रखा है, जहां पर वो इतनी ज्यादा ही पावर होती है जो कि सेलेस्टियल से इक्वल मानी जाती है। फिफ्थ पोजीशन पर मैंने रखा है मिडगार्ड सर्पेंट को, जो कि कॉमिक बुक में ऐसा ही माना जाता है कि वो असल में हमारे लोकी का ही सन है और इसकी पावर लेवल इतनी ज्यादा ही होती है कि वो हमारे लिविंग ट्राइब्यूनल से इक्वल मानी जाती है। जी हाँ, ये असल में इमोर्टली होता है, जिसकी बॉडी इतनी ज्यादा ही मैसिव होती है कि वो हमारे मिडगार्ड तक को रैप कर सकता है। साथ ही में वो इतना ही ज्यादा पावरफुल होता है कि अपने एक ही मूवमेंट से अर्थक्वेक या फिर टाइडल वेव्स ही ला सकता है। साथ ही में वो इल्यूजन भी क्रिएट कर सकता है और इसकी पावर लेवल इतनी ज्यादा ही होती है कि सभी गॉड्स को मारने में ये सक्षम होता है। और इतना भी आपके लिए अगर कम है तो मैं आपको बता दूं कि इसके दांत से ऐसा जहर निकलता है कि वो किसी भी एस्कार्डियन या फिर किसी भी गॉड को ही मारने के लिए सक्षम होता है। फोर्थ पोजीशन पर मैंने उस विलन को ही रखा है जो कि थॉर के ही वन ऑफ द पॉपुलर विलन में से एक माना जाता है, जो कि असल में मूवीज में ही अपीयर नहीं हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैन गॉग के ही बारे में, जो कि कॉमिक बुक में ही फर्स्ट अपीयर हुआ था थॉर के इशू 154 में, जहाँ पर इसकी भी पावर लेवल इतनी ज्यादा मानी जाती है कि वो असल में ज्यूस, थॉर और हमारे ओडिन से भी काफी ज्यादा ही बढ़कर होती है, जो कि इतना ही ज्यादा पावरफुल होता है कि ऐसा भी माना जाता है कि ओडिन ने इनके पूरी रेस को ही खत्म कर दिया था, क्योंकि वो आगे जाकर इतनी ज्यादा तादाद में अगर बढ़ जाए तो इस कार्ड के लिए उनका खतरा काफी ज्यादा ही बढ़ सकता है। इसको ही उन्होंने नजर में रखते हुए इन्हीं सभी स्पीसीज को उन्होंने खत्म कर दिया था। साथ ही में इसकी पावर लेवल इतनी ज्यादा ही मानी जाती है कि आप इसको एक अनस्टॉपेबल फोर्स या फिर लिविंग वेपन भी कह सकते हैं। और थॉर के बहुत सारे ऐसे भी मूव्स होते हैं जिसको बड़े से बड़े खिलाड़ी भी डॉज नहीं कर पाते, लेकिन उन सबको भी ये इजीली ही डिफेंस कर पाता है, तो आप इससे ही आप इसके पावर लेवल का अंदाजा कर ही पाएंगे। थर्ड पोजीशन पर मैंने रखा है शटर को, जिसको आपने थॉर रैग्नारोक के मूवी में ऑलरेडी देख ही लिया होगा और इससे ही आप इसके पावर लेवल का अंदाजा कर ही लिया होगा, जहाँ पर यह लॉर्ड होता है मुस्पेलहेम के ही रियम का, और साथ ही में आप इसको फायर जायंट का भी राजा कह सकते हैं। और इसके पावर लेवल के बारे में हम आखिर क्या ही कहें, क्योंकि कॉमिक बुक में ही हमने देखा था कि इसने हमारे ज्यूस और ओडिन तक को धूल चटवा दिया था, जहाँ पर ओडिन ने इसको मारने में सक्षम नहीं हुए थे, तो तभी उन्होंने डिसाइड किया कि इसको टेम्परेरी ही सील कर दिया जाए, जहाँ पर इसको कम्प्लीटली कभी भी नहीं मारा जा सकता। और साथ ही में थॉर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव, जिसको कि गॉड ब्लास्ट के नाम से जाना जाता है, ये उस तक को भी सर्वाइव कर सकता है और इसकी पावर लेवल सेलेस्टियल से भी इक्वल मानी जाती है। सेकेंड पोजिशन पर मैंने रखा है गॉड द गॉड बुचर को। जी हाँ, आप सभी ने इसके नाम से ही अंदाजा कर ही लिया होगा कि ये बंदा इतना ज्यादा ही पावरफुल होता है कि सभी गॉड को अपने दम पर ही मारने का गुदा रखता है। साथ ही में इसके पास आपस में क्रॉस होते हैं हमारे थॉर के साथ भी, क्योंकि आप इसके ओरिजिन को बेटर ढंग से अगर जानते होंगे तो आपको पता ही होगा कि ये कैरेक्टर असल में अच्छा आदमी है, लेकिन गॉड्स को वो असल में अपने लिए ही मारता होगा, क्योंकि अपने बिलीव्स के कारण उसने ऐसी इमेजिनरी दुनिया बनाई होगी जिसमें कि गॉड्स असल में बुरे आदमी है, जिसके वजह से ही थॉर अपना अनवर्दी हो जाता है और इससे ही अपने हामों को उठाने की एबिलिटी भी खो देता है, जिसके बारे में कंप्लीट स्टोरी आपको अगर जाननी है तो आप हमारे गॉड के ओरिजिन वाले वीडियो को चेकआउट कर पाएंगे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही सबसे टॉप पर मिल जाएगा। और इस वाले विलेन को मैंने इतना ज्यादा टॉप पर इसलिए रखा है क्योंकि असल में ये विलेन नहीं है, लेकिन इसके मोटिव जैसे भी होते हैं उन सबको देखकर आप काफी ज्यादा ही कनेक्टेड या फिर इमोशनली फील करने लगोगे, जहाँ पर इन सभी चीजों को हम इसके ही फ्यूचर की मूवी में विटनेस करने वाले हैं, यानी कि थॉर लव एंड थंडर की मूवी में जाकर विटनेस करने वाले हैं। और नंबर वन को आप सभी ने भी गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लोकी के ही बारे में, जो कि ऐसा भी माना जाता है कि थॉर की लाइफ असल में अधूरी मानी जाती है लोकी के ही बजाय,
जहां पर ये इतना ज्यादा कांड करता रहता है कि इसको मानने के लिए एवेंजर्स तक को फॉर्म करना जरूरी पड़ा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लोकी के लिए ही सभी एवेंजर्स को फॉर्म किया गया था, जो कि मूवीज में और कॉमिक बुक्स में भी सिमिलर चीज पर ही टेक प्लेस करती है, जिसको आप हमारे ही लोकी के फैक्ट वीडियो में जाकर चेकआउट कर पाएंगे। साथ ही में ये विलन भी इतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं होता है, लेकिन इसके मैजिक या फिर इल्यूजन के दम पर ही सबको घनचक्कर कर देता है। साथ ही में इसकी बैक स्टोरी या फिर इसके ही मोटिव काफी ज्यादा इमोशनल होती है, क्योंकि असल में ये एस्कॉर्ट पर टेक ओवर नहीं करना चाहता या फिर दुनिया पर राज करना ही नहीं चाहता, बजाय इसके ये सिर्फ इतना चाहता है कि थॉर को जैसे इज्जत मिलती है कि वो असल में ओडिन का ही बेटा है, सिर्फ उसी चीज को वो डिजर्व करता है अपने लिए भी पाने के लिए। यानी कि एस्कॉर्ट के लोग इसको बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि असल में ओडिन ने इसको एडॉप्ट ही किया था, और इसी चीज से ही वो फ्रस्ट्रेटेड होके हमारे थॉर से काफी ज्यादा जलता है, और एस्कॉर्डियंस को भी वो काफी ज्यादा ही नापसंद करता है, जिसके लिए पूरे एस्कॉर्ट को तबाह करना चाहता है। लेकिन इसको ही बचाने के लिए थॉर असल में सामने आता है, या फिर लोकी का और थॉर का आपस में पाथ क्रॉस होते हैं, जिसको कि देखकर हम तो काफी ज्यादा एंटरटेन होते हैं। लेकिन इन दी एंड हम सभी को पता है कि लोकी थॉर को काफी ज्यादा प्यार करता है, और थॉर भी लोकी को काफी ज्यादा ही प्यार करता है। खैर, आप हमें कितना प्यार करते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, और ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट्स हम रोज लेकर आते रहते हैं, जिन सबको आप तो बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहोगे। खैर, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।